मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है शिवराज सरकार के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट चली गई। मामला है मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का लेकर विधि क्षेत्र के। यह पहल बघेली न्यूज चैनल हम कर तिवारी अपना पंचायत का सभी जनन का प्रणाम करी थे, शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर की। जो ने बताया दी मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग जो है नगरीय निकाय चुनाव एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मामले में शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट के शरण पहुंच गया है। निर्वाचन आयोग के द्वारा हाईकोर्ट से निवेदन किया गया है कि आरक्षण संबंधी याचिका का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए एवं सरकार का निर्देशित करें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण प्रक्रिया का अति शीघ्र पूर्ण करें। प्रवक्ता बताया दी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अपने आवेदन में कहा गया है कि जो नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण का चुनौती दी गई उनका छोड़ के मध्य प्रदेश के शेष नगर निगम एवं नगर पालिका में चुनाव करावे की अनुमति दी जाए। इसके अलावा हाईकोर्ट सरकार के आदेश दे कि उस समय सीमा के भीतर जिला पंचायत अध्यक्ष एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष पदन के आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण करें। अपना प्रत्येक बताया दी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कहा गया कि हम चुनाव करवावे खातिर पूरी तरह से तैयार हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के कहा है कि यह साल दिसंबर तक यदि चुनाव नहीं हुए तो निर्वाचन आयोग के पास आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव खातिर काम के बोझ बढ़ जाए, ऐसा स्थिति में चुनाव कराए पाए मुश्किल हो जाए। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 संक्रमण के नाम पर नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनावन का जो है लगातार टाला जा रहा है, जबकि यह बीच जो है विधानसभा उपचुनाव हो चुके हैं, एक बार फिर से लोकसभा विधानसभा उपचुनाव की तैयारी हो रही है। तो निश्चित तौर पर सीधे तौर पर समझिए कि शिवराज सिंह चौहान के सरकार के मन नहीं आए कि चुनाव न हो। काहे कि जब निर्वाचन आयोग खुलेआम कह रहा है, हाईकोर्ट के शरण में जाए के कह रहा है कि यदि अबे ना करावा जाए चुनाव तो दिसंबर के बाद विधानसभा लोकसभा चुनाव की तैयारी व्यस्त हो जाए, तब उनके लगे काम के बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तब सवाल यह उठा था कि आखिर शिवराज सिंह चौहान काहे नगरीय निकाय चुनाव पंचायत के चुनावन से दूर भाग रहे हैं। हालांकि यह पूरा मामला अब हाईकोर्ट में है तो देखो दिलचस्प हुई कि का निर्वाचन आयोग का न्याय मिल पावत है या नहीं। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार का बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।